आज मैं आपके लिए एक ऐसे वड़ा पाव की कहानी लेकर आया हूँ जो मुंबई की छोटी सी स्ट्रीट से पूरे इंडिया में पहुंच गया, और आज उसकी केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है और जिसका नाम इंडिया के लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन में आता है। मैं उज्ज्वल पटेल आज आपको गोली वड़ा पाव और उसके फाउंडर वेंकटेश्वर अय्यर के बारे में बताने वाला हूँ। जो रेक रॉक ने बर्गर को फेमस बनाने के लिए मैकडोनल्ड्स के साथ किया, वही वेंकटेश्वर अय्यर ने वड़ा पाव को फेमस बनाने के लिए गोली वड़ा पाव के साथ किया। तो चलिए जानते हैं उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी। वेंकटेश्वर अय्यर का जन्म एक मिडिल क्लास ब्राह्मीण फैमिली में हुआ था, और हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनकी फैमिली भी ये चाहती थी कि वो इंजीनियर डॉक्टर या एमबीए करके जॉब कर ले। उनको उनके फैमिली वाले हमेशा बोलते रहते कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें वड़ा पाव ही बेचने पड़ेंगे। पर किसको पता था कि वो वड़ा पाव बेच के एक दिन इतिहास भी रचेंगे। अपना एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद 15 साल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जॉब करने के बाद एक दिन उनका एक फ्रेंड जो एक ग्लोबल फूड कंपनी का मैनेजर था उनके पास आकर उनको बोलता है कि यार कुछ भी हो जाए एक इंडियन सबसे पहले इंडियन फूड ही खाएगा। ये बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इंस्टॉल हो गई थी। उसके बाद एक दिन वेंकटेश उनकी मीटिंग खत्म करके वापस आ रहे थे, तो उनको बहुत भूख लगी और उसी वजह से वो वड़ा पाव खाने के लिए एक लारी पे रुके। उसके एकदम पीछे उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर देखा जिसमें एक बड़ा सा एम लिखा हुआ था जो मैकडोनल्ड्स का था, और उसी वक्त उनके हाथ में वो लारी का सस्ता वड़ा पाव भी था। ये दोनों साथ में देखकर उनको वड़ा पाव और मैकडोनल्ड्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखी। जैसे बर्गर में पाव होता है वैसे ही वड़ा पाव में भी पाव होता है, जैसे बर्गर में चटनी होती है वैसे ही वड़ा पाव में भी चटनी होती है, जैसे बर्गर में टिक्की होती है वैसे ही वड़ा पाव में वड़ा होता है। ये सब सोच के उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर सिर्फ एक बर्गर को लेकर मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड चेन बन सकती है, तो मैं वड़ा पाव को लेकर भी एक बहुत बड़ी फूड चेन बना सकता हूँ। उसके बाद तुरंत वो इसकी रिसर्च में लग गए, और जब उन्होंने उनके फ्रेंड्स और फैमिली को ये सब बताया कि मैं फाइनेंस जॉब छोड़ के बर्गर का बिजनेस करना चाहता हूँ, तब वो सब उन पे हंसने लगे और उनको मुंबई की लैंग्वेज में बोलने लगे कि ये क्या गोली दे रहा है। पर उनके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि अगर वड़ा पाव का इंग्लिश वर्जन इतना बड़ा ब्रांड बन सकता है तो वड़ा पाव क्यों नहीं। और मुंबई में गोली वर्ड बहुत ही चलता है, और उसी वजह से उन्होंने 2004 में मुंबई के कल्याण में अपनी पहली शॉप गोली वड़ा पाव नाम से ओपन की। उनकी अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से दिन ब दिन उनके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। 2005 तक उनके मुंबई के कल्याण और उसके आसपास 20 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज ओपन हो गई थी, और सारी फ्रेंचाइजीज में वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा रहे उसी वजह से उन्होंने सेंट्रलाइज्ड किचन भी बना दिया, जहां पर उनके कुक रॉ मटेरियल बनाते और उसको सभी स्टोर्स में लॉजिस्टिक्स के थ्रू भिजवाया जाता था। पर धीरे धीरे उनकी फ्रेंचाइजी में बहुत सारे लूपहोल्स देखने लगे, जैसे कि मॉर्निंग में वड़ा बनाया तो शाम तक खराब हो जाता था, कभी कम वड़े बनते तो कभी ज्यादा वड़े बन जाते, और उसी वजह से हर रोज 3000 से भी ज्यादा वड़े बिगड़ जाते थे। उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आलू का प्राइस बढ़ जाता, उनका मार्जिन भी कम हो जाता था। उसके अलावा उनका कुक छुट्टी पे चला जाता तो दूसरा कुक आ जाने की वजह से वड़ा पाव का टेस्ट भी बिगड़ जाता था, और ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स की वजह से उनका बिजनेस भी लॉस में जा रहा था। और 2006 में उनकी बैंक ने उनको लोन्स कंप्लीट करने के लिए 10 दिन का समय दिया। इस समय उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो हर किसी से पैसा लेकर उनकी कंपनी चलाने का ट्राई कर रहे थे, और उसी वजह से उनकी बेटी और उनके पिताजी उनको बोलते कि आप हमारे साथ मत आओ क्योंकि आप किसी से भी पैसा मांग लेते हो। उनको उनकी फैमिली के गहने भी बेचने पड़े थे। लोग उनको बोलने लगे कि वड़ा पाव तो बर्गर नहीं बनेगा पर तू बेगर जरूर बन जाएगा। पर उनका माइंडसेट एक ही था, उनको अपने देसी बर्गर को वर्ल्ड फेमस बनाना था। उनके दिमाग में मुझे क्या करना है और कहां पर जाना है ये दोनों बात बहुत अच्छे से फिट हो चुकी थी, और उसी वजह से उन्होंने प्रॉब्लम्स पे नहीं सॉल्यूशंस पे फोकस किया। उसके बाद वो फूड इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोगों से भी मिले और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, पर उसमें से कुछ भी काम नहीं किया और बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हुए। उसके बाद उनको एक फ्रेंड मिला जो विस्टा प्रोसेस्ड फूड कंपनी का ओनर था, वो इंडिया के मैकडोनल्ड्स को बर्गर पेटी सप्लाई करता था, और उनके साथ वेंकटेश ने पार्टनरशिप कर ली, और अब वड़ा पाव के वड़े वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटेड प्लांट में मैन्युफैक्चर होने लगे थे, और इससे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली थी, पर एक और प्रॉब्लम जो फ्रोजन रॉ वड़े को फ्राई करना था वो अब भी बाकी थी, क्योंकि जो मैकडोनल्ड्स की फ्रोजन रॉ टिक्किया थी उसको फ्राई करने के लिए जो फ्रायर यूज होते थे वो बहुत ही महंगे थे, और उसी वजह से वेंकटेश ने अपने खुद के बहुत ही सस्ते और ऑटोमेटेड फ्रायर बनाने का डिसाइड किया, और उन्होंने गोली फ्रायर के नाम से मैकडोनल्ड्स के फ्रायर की कंपेयर से बहुत ही सस्ती प्राइस का फ्रायर बनाया।
और उसके बाद उन्होंने वड़ा पाव में भी अलग अलग वैरायटीज निकाली, जैसे सिजवान वड़ा पाव, चीज वड़ा पाव, पनीर वड़ा पाव, और जिसका उपवास है उनके लिए साबूदाना वड़ा पाव। उसके बाद बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो खुद मुंबई के मार्केट में गए और उन्होंने देखा कि कौन मेरी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वहां पर उनको 1500 से भी ज्यादा दूध बेचने वाली शॉप्स दिखी और वहां पर जाकर उन्होंने बात की कि अगर आप हमारे वड़ा पाव बेचते हो तो हम आपको हमारे फ्रायर्स भी देंगे और साथ में रॉ वड़े भी देंगे, आपको सिर्फ उसको फ्राई करके कस्टमर को तुरंत दे देना है। और ऐसे ही उन्होंने उनके आसपास की 350 से भी ज्यादा शॉप्स के साथ टाई अप कर लिया और उनकी इस स्ट्रेटजी की वजह से गोली वड़ा पाव रातों रात मीडिया में आ गया और उनको बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव कवरेज भी मिली। उसके बाद जैसे ही वो फंडिंग का सोच रहे थे, उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर ही लेहमन ब्रदर्स स्कैम, सत्यम स्कैम, सुभिक्षा स्कैम हुए और उसकी वजह से मार्केट में पैसे ही खत्म हो चुके थे और धीरे धीरे गोली वड़ा पाव के मुंबई के स्टोर्स भी बंद होने लगे थे और वेंकटेश बैंक करप्ट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मार्केट से 24-28% इंटरेस्ट के साथ 3-4 करोड़ रुपए लिए और अगेन वो आगे क्या किया जाए उसका प्लानिंग भी करने लगे। पर जब मिल्क शॉप के साथ टाई अप की वजह से मीडिया में जो पब्लिसिटी हुई थी उससे इन्फ्लुएंस होकर नासिक का एक इन्वेस्टर उनके पास आया और उनको बोला कि मुझे आपकी फ्रेंचाइज ओपन करनी है। और नासिक में सक्सेस मिलने के बाद औरंगाबाद, नागपुर जैसी अलग अलग जगह पे सिर्फ 15 महीने में ही 75 फ्रेंचाइजीज ओपन हो गई। उसके बाद मार्केटिंग के लिए वेंकटेश ने एक मूवी डायरेक्टर से मिलकर प्रमोशन की बात की, पर वो बहुत महंगा था, उसी वजह से उन्होंने उसी डायरेक्टर के साथ बार्टर करके गोली वड़ा पाव का प्रमोशन उस मूवी में करवाया और उस मूवी का पोस्टर अपनी हर फ्रेंचाइज में लगाकर उसका प्रमोशन किया। उसके बाद 2009 में एक समिट हुई थी जहां पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे। वहां पर वेंकटेश ने गोली वड़ा पाव का एक स्टॉल लगाया हुआ था। किसी ने उनको आकर बोला कि भैया वड़ा पाव के साथ साथ आप समोसा और चाय भी बेच देना, तो वेंकटेश ने उनको बोला कि सॉरी भैया ये मेरे से नहीं होगा और साथ साथ में 5-10 मिनट में अपनी लाइफ स्टोरी भी बता दी। और उसी वक्त वो इंसान वेंकटेश से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया और उन्होंने वेंकटेश को उस समिट में स्पीच देने का मौका दिया। और जब वेंकटेश उस समिट में स्पीच देने के लिए गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी थे और उसके अलावा वहाँ पर रतन टाटा, नारायण मूर्ति, आनंद महिंद्रा, चंद्रा कोचर, केवी कामंत जैसे सक्सेसफुल लोग भी थे। वहाँ पर स्पीच देने के बाद उसी वक्त एक इन्वेस्टर वेंकटेश के पास आया और उनको बोला कि मैं आपके बिजनेस में 21 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और ऐसे ही पूरे इंडिया में एक्सपेंड होने और इन्वेस्टर से फंड्स मिलने की वजह से गोली वड़ा पाव का नाम इंडिया के बिगेस्ट फूड सप्लाई चेन कंपनीज में आता है और मुंबई की स्ट्रीट से पूरे इंडिया में पहुंचने वाले गोली वड़ा पाव की केस स्टडी आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, IMD स्विट्जरलैंड, ISB हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। सो आपने इस गोली वड़ा पाव की केस स्टडी में से क्या लर्निंग्स ली कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना जिससे अगले जितने भी वीडियोज आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।